रामकृष्ण मिशन में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बस 2 कदम की दूरी में आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और सेटिस्फाइंग है। Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its breath. Good morning. स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड घूमने जाएंगे। रॉस आइलैंड बहुत ही पास है, वो आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और इससे पहले हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि पापा मम्मी और अंकल आंटी दोनों वेट कर रहे हैं। Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. रॉस आइलैंड पहुंचने से पहले हमें बताया गया था कि हमें वहां डियर मिलेंगे जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होंगे, तो हम उनके साथ फोटो और वीडियो दोनों खिंचवा सकेंगे। रॉस आइलैंड एक छोटा और बहुत ही सुंदर आइलैंड है, तो इसे घूमने के बाद अभी हम लोग नॉर्थ बे आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो लंच ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग नॉर्थ बे आइलैंड का लाइट हाउस देखने जा रहे हैं, और लाइट हाउस के ऊपर से कैसा टॉप व्यू आता है ये भी हम लोग देखेंगे।
अभी आप लोगों ने जो क्लिप देखा वो है नॉर्थ बे आइलैंड का लाइट हाउस जो है उसका है। सो थोड़ा डरावना था क्योंकि लाइक सीढ़ी पूरा स्पाइरल जैसा था और उसके बाद भी एक पूरा ऑलमोस्ट वर्टिकल एक वो था, सीढ़ी था, दो टाइप का सीढ़ी था, तो थोड़ा डरावना था लेकिन मज़ा आया। और अभी हम लोग फिर से अपना यस इट वाज वर्थ इट और अभी हम लोग फिर से अपने शिप की ओर जा रहे हैं क्योंकि अभी वापस जाना है।